पास यहाँ बंजा बोलोंग आ जाए। कल पूरे दिन में मेरा खर्चा हुआ सिर्फ $2-3 का। सो गाइज, ये सिटी स्क्वायर मॉल और इसके बिल्कुल सामने है ये MRT और ये फेरर पार्क MRT स्टेशन है और इसमें आपको डाउन जाना है। डाउन जाने के बाद हमको मिलेगी जो MRT है, जो ट्रेन, वो हमको लेकर जाएगी हार्बर फ्रंट। इसमें हमको डाउन जाना है और जो हार्बर फ्रंट है वहाँ से फिर थोड़ी दूर पर ही है संतोष आइलैंड। तो अगर आप लिटिल इंडिया या इसके आसपास हो यहाँ पे लेवेंडर स्ट्रीट, तो ये रास्ता सबसे सही रहेगा। बाकी मैप की हेल्प लो आप, मैप बहुत हेल्प करेगा। बहुत इजी है घूमना, कोई मुश्किल नहीं है। मोस्टली यहाँ पे लोग जो है वो यूज़ करते हैं MRT, क्योंकि टैक्सी ग्रैब इतना महंगा है। वही कार्ड यूज़ करो, टूरिस्ट कार्ड, और फ्री में जाओ। और आप मानोगे, कल मैंने इसी तरह ट्रैवल किया था और कल पूरे दिन में मेरा खर्चा हुआ सिर्फ $2-3 का, सिर्फ $3। वो भी डोसा खाया मैंने, बस वो वाला। उसके अलावा जितना भी घूमा मैं सिर्फ इससे घूमा। इसका मैंने $20 दिया था, वो 3 दिन के लिए है। दिस वन, यस यस यस, ये रहा। हमको जाना है हार्बर फ्रंट से, यहीं पर आएगी। ये देखो भाई, ये हम हैं यहाँ पे और ये हमको लेके जाएगी सीधी हार्बर फ्रंट और ये रहा संतोषा आइलैंड। ये सबसे सही रास्ता है। लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल दिखाता हूँ मैं आपको। और ये एग्जिट साइन दे के बाहर निकल जाओ। बाकी और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना होता है तो वो उसके लिए भी यहाँ पे अलग से है। और यहाँ निकलते समय वापस हमको यूज़ करना है ये कार्ड। देखो इनका फेयर आया था पास यूजेज, ये भी रहा, जब आता है तब लिखा होता है फ्री, और जो लोग करते हैं उनमें उनका जो भी $1-2 जो भी होता है वो फीस आती है। और EZ लिंक अगर लेते हो तो उसमें यही है, उसमें आपका जो चार्ज कटेगा। और इससे अच्छा ये ले लो यार, 3 दिन मजे मस्ती से जहाँ आना है वहाँ जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। जो भी एग्जिट हो जाते हैं, ओके। तो अब देखो, अब आपको मैं बताता हूँ कि जाना हो सेंटोस आइलैंड तो उसके लिए एक तो केबल कार सिस्टम है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा हर हार्बर फ्रंट सेंटर भी है यहाँ पे, क्रूज़ और फेरी टर्मिनल भी है और टैक्सी से भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन हैं सेंटोस आइलैंड जाने के लिए, लेकिन मैं इन किसी में से नहीं जाना चाहता। यहाँ पर एक वॉकिंग है, आप वॉक करके सेंटोस आइलैंड पहुँच सकते हो ईजीली। केबल कार, उसके थ्रू आप चले जाओ। उसका चार्जेज होता है करीब मे बी शायद 1400-1500 रुपये, क्योंकि सेंटोसा आइलैंड बेसिकली एक बीच है, एक आइलैंड है, तो
उसके लिए आपको एक छोटा सा आइलैंड है, पर बहुत खूबसूरत आइलैंड है ये, हार्बर फ्रंट सेंटर। और ये है फ्री शटल बस जो सेंटोसा आइलैंड में जो लेते हैं हम इवेंट, जैसे ये जंगल वाला है, जू वाला है और वो सब, उसके लिए फ्री सर्विस होती है ये। लेकिन उसके लिए आपको चार्ज करना पड़ता है, जैसे जंगल वाले आपका अगर करना है टूर तो उसका जो चार्ज होता है वो चार्ज दे दो। और उसके अलावा बहुत से यार, यूनिवर्सल स्टूडियो वगैरह, वो पूरा पैकेज होता है उसका। तो भाई अब मुझे जाना है वीवो सिटी सेंटोसा एक्सप्रेस मोनोरोल, इस पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको लेवल 3 में है वीवो सिटी, और वहाँ से आप ये मोनोरेल जो है सेंटोसा एक्सप्रेस, उसको पकड़ के आप जा सकते हैं। और वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हार्बर पॉइंट स्टेशन आप आओगे, उसके बाद वीवो येरा वाया वीवो सिटी, बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा वॉकिंग करके आप आ जाना। This is Vivo City Sentosa Express. Sentosa Island आप वॉक करके भी जा सकते हो, अगर आप नहीं चाहते आपके पास टूरिस्ट कार्ड नहीं है तो आप वॉक करके चले जाओ, फ्री में आप Sentosa Island पहुँच जाओगे। मोनो रेल पकड़ लो जो Sentosa Express है। So, where is Sentosa? Sentosa Express? लेवल 1। भाई यहाँ देखो गाड़ी, आप ऑडी, ये कौन सी है पता नहीं कौन सी है भाई, मुझे तो मालूम भी नहीं है, गाड़ी का नॉलेज नहीं है ज़्यादा मुझे, बाकी टोयोटा, हुंडई, ये BMW, ये निशान, और ये लेवल इसका बता देता हूँ वीवो सिटी का पूरा, कहाँ पे क्या क्या मिलेगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। सेंटोसा एक्सप्रेस लेवल 3 पे, 2 पे सब, 1 पे सब, ठीक है ना भाई। ओके सो अब हम जाएंगे ऊपर, लेवल 3 पे अब हम जाएंगे। पसीना हो रहा है, हालत खराब हो रही है भाई। लेवल 3 चल बेटा। और बाहर निकलते ही हमको ये मिला है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून भरा। यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है, हाय हाय भाई मस्त लग रहा है नजारा। अच्छा पूल, एक बार ये नजारा देखते हैं उसके बाद जाते हैं। ये चाइनीज रेस्टोरेंट सब मिलेंगे, बिच्छू, केकड़े, एवरीथिंग। सो दिस इज वीवो सिटी। केबल कार, और ये एक बार है, रेस्टोरेंट है, वो हार्बर बे, फेरी से भी आप जा सकते हो। दिस इज अ फूड कोर्ट एंड इट्स ऑटोमेटिक आई थिंक। So this is the food court. Wow, शानदार बना रखा है भाई। ये साउथ इंडियन का है, इंडियन वेजिटेरियन है यहाँ पे।
में जितने भी खाने वाले हैं उन सब के लिए यहाँ पे रेस्टोरेंट में अलग अलग तरीके की वैरायटी मिल जाएगी। ये फ्रूट्स है, गाजर, अमरूद, इतना बड़ा अमरूद, ये सेलड़ी, जूस है यहाँ पे, करीब जूस मिल जाएगा आपको $4 से स्टार्ट है। एंड दिस इज वीवो सिटी स्टेशन। Level 3 सेंटोसा मोनोरेल। और यहाँ हम देखते हैं ये कार्ड टच होता है कि नहीं होता है। मेरे साथ अरुण है जो साउथ से है। साउथ में कहाँ से रहते हैं आप? तमिलनाडु। तमिलनाडु से। और तो अरुण भाई मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जैसे वर्किंग आप करते हो तो कितना आपका इनकम होता है महीने का?